हेलो दोस्तों, मैं हूँ आंचल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे बर्तन में खाना बनाया है जो लोकली बनता हो? भाई, मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक प्रोडक्ट है जो अमेज़ॉन की विश लिस्ट में मैंने पिछले 1.5 साल से रखा हुआ है। वो एक डोसा पैन है जिसे तमिलनाडु के रूरल एरिया में बनाया जाता है। तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं ये एक डोसा पैन को ट्राई करूं। तो वो डोसा पैन मैंने ऑर्डर किया और वो आ चुका है, और मैं उसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, और भी क्या कुछ इसके साथ है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आंचल की रसोई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पैक होके आया है। एकदम सिंपल डिसेंट सी इसकी पैकेजिंग है और काफ़ी हैवी है। तो आइए इसे खोलते हैं। और ये है हमारा तवा। इसके साथ हमें ये स्पैचुला भी मिला है। तो आइए बात करते हैं इस तवे की। इसके साथ हमें मिला है इसका एक प्रोसीजर पेपर। ये देखिए, इतने तरीके के आइटम ये कंपनी बनाती है। अभी मैं इसके बारे में और आगे बात करूँगी। तो दोस्तों, ये है हमारा नक्शा ब्रांड का आयरन तवा, जो 14 इंचेस का है, और ये इसका कलर ब्लैक है। और अगर मैं इसके डाइमेंशंस की बात करूँ तो ये है आपका 35.5, 30 and 2.5 सेंटीमीटर के रेशियो में। ये काफ़ी भारी है, अप्रॉक्स 3 kg के अराउंड इसका वेट है। और सबसे अच्छी बात है कि ये लोहा जो है उसकी सिंगल शीट को पीट कर बनाया गया है। ये देखिए, प्योर आयरन का ये तवा है। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। लोकली ये काम हुआ है। इसका जो शेप है वो साइड से थोड़ा सा राउंड शेप में है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है। और अगर हम इसके बैक की बात करें तो बैक इसका फ्लैट नहीं होके हल्का सा राउंड है। ये यहाँ पे आपको दिया गया है तवे का हैंडल, जिसे आप इजीली इस तरीके से उठा के रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गर्म तवा ना उठाएँ, इसके लिए आप कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके सरफेस की बात करूं तो ये एकदम सॉफ्ट सरफेस का मैं कहूंगी इसे। इसमें कोई भी आपको दरदरापन देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पे ग्लोब मेंशन है, आई डोंट नो ये किस लिए है। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे दो सर्किल दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो यही इसके सरफेस में मैं बात करूँगी कि इतना ही है इसके बारे में। और ये दो साइज़ में अवेलेबल है। एक ये 14 इंच का है और एक इससे बड़ा है। जो बड़ी फैमिलीज़ में ज़्यादा डोसा खाते हैं तो वो एक साथ उसमें कई डोसे बना सकते हैं। इस डोसा पैन में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये प्योर आयरन का बना हुआ है। इसमें नॉनस्टिक कोटिंग नहीं है, यानी कि आप अगर इसमें खाना बना रहे हो तो आप एकदम केमिकल फ्री खाना बना रहे हो, एकदम हेल्दी तरीके से बना रहे हो। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। अभी जैसे मैं इस पे इस तरीके से हाथ लगा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा चिपचिपाहट महसूस हो रही है। वो इसलिए है कि जब इस तवे को बनाया जाता है तो क्योंकि इसमें रस्ट ना लगे, इसलिए वो इसमें एक तरीके का वैक्स या फिर ऑयल कह सकते हैं वो इसमें लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास ये काफ़ी स्टॉक में होता होगा। तो रस्ट ना लगे उसलिए ये ऑयल लगा देते हैं। और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के लिए इन्होंने इस तरीके का पेपर दिया हुआ है, और इसमें बताया गया है कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है। ये देखिए, यहाँ पे है बिफ़ोर फर्स्ट यूज़। फर्स्ट यूज़ से पहले आपको किस तरीके से यूज़ करना है, और इसकी मेंटेनेंस को लेके भी यहाँ पे गाइडेंस है। तो ये इसके साथ स्पैचुला मिला है। ये देखिए, फ्रंट से थोड़ा शार्प है और काफ़ी लंबा है। ईज़िली इससे डोसा आसानी से निकल जाएगा, और इस तरीके से आप डोसे की साइड्स जो हैं इसे निकाल सकते हैं। ये स्पैचुला स्टील का बना हुआ है, आयरन का नहीं है, बट डोसा तवा के साथ आया है, ये इसमें प्लस पॉइंट है।
ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, और इस थिकनेस की वजह से ही इसमें हीट अच्छे से रिटेन होती है। साथ ही इसमें जो डोसा पकेगा वो इवन हीट में पकेगा, जिससे एनर्जी की भी सेविंग होगी। तो दोस्तों, इस तवे की सीजनिंग कैसे करनी है वो इस पेपर में दिया हुआ है, और अगर आप इस पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपको गर्म पानी में इस तवे को धोना है, जिससे उस पर जो वैक्स है या जो ऑयल ग्रीसिंग वगैरह जो भी है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे एक कपड़े से पोंछ लेंगे अच्छे से। इसके बाद हमें इसे गर्म करना है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, चारों तरफ फैला देना है। जब वो नमक चटक जाए तो हमें गैस बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। नमक एक बार छान के हमें इसे दोबारा से गर्म करना है और दो तीन बूंदें ऑयल की डालकर उसे अच्छे से फैला लेना है, और उसके बाद आपका तवा तैयार है पहली बार रेसिपी बनाने के लिए। इसके बाद जब भी आप इसमें रेसिपी बनाएं और उसके बाद स्टोर करें, आपको थोड़ा सा तवे को गर्म करना है, उसमें दो तीन बूंदें ऑयल की डालनी है, उसे अच्छे से फैला लेना है और उसके बाद स्टोर करना है। तो ये है इसकी ईजी सी सीजनिंग और मेंटेनिंग। तो हम बात करते हैं पहले इसके एडवांटेजेस की। तो पहला एडवांटेज ये है कि ये प्योर आयरन का बना हुआ है, नॉनस्टिक कोटिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब आपका खाना एकदम केमिकल फ्री बनता है और हेल्दी वे में बनता है। इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि ये काफ़ी थिक है, जिस वजह से इसमें हीट अच्छे से रिटेन होती है, खाना अच्छे से पकता है और ये एनर्जी की बचत करता है। इसका तीसरा एडवांटेज है कि इसके साथ स्पैचुला अलग से नहीं रखना पड़ता, आपको इसके साथ ही स्पैचुला मिलता है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होता है। इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये प्योर आयरन का बना हुआ है, इसलिए ये डिशवॉशर सेफ है, साथ ही ये ओवन सेफ भी है। ये तो हो गए इसके एडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो इसका पहला डिसएडवांटेज है इसके हैंडल को लेकर। आप इसका हैंडल देखिए, इसकी ग्रिपिंग अच्छी नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये अच्छे से पकड़ा नहीं जा रहा है, तो ये किस तरीके से मैनेज होगा। तो हैंडल मुझे इसका अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे डिसएडवांटेज में काउंट करूँगी। दूसरा डिसएडवांटेज कि ये थोड़ा सा कर्वी है, तो हम लोगों को जनरली आदत होती है फ्लैट सरफेस में डोसा बनाने की, क्योंकि ये कर्वी है तो पर्सनली मैं भी बोलूँगी कि कर्वी सरफेस में डोसा बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, और एक्सीडेंटली अगर ये किसी के पैर पे गिर गया तो चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही एक और डिसएडवांटेज जो सारे आयरन के कुकवेयर्स के साथ होता है, वो उनकी सीजनिंग और मेंटेनेंस को लेकर है, कि अलग से सीजनिंग करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है, जो नॉर्मल बर्तन से अलग होती है। हमें लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, और मैंने भी इसी वजह से इस डोसा तवा को मंगाया था, और मैंने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अगर आपको ये डोसा तवा अच्छा लगा हो तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फ्लैट सरफेस वाले डोसा तवा के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया था, जो कि आप मेरी वीडियो लिस्ट में देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको ये डोसा तवा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलती रहूंगी आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय।